ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सीधा सुधा ट्रुथ लाइज विद इन में। और अब हम वापस अपने ही शहर दार्जिलिंग में लौट आए हैं, और कुछ दिनों के ट्रैवल और कुछ दिनों के मूवमेंट्स के कारण पिछले कुछ 10 दिनों की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, जो कि आप सुन पाएंगे आस्ते आस्ते। लेकिन आज हम कर रहे हैं 12 अप्रैल की रिकॉर्डिंग, ताकि आप आज की रिकॉर्डिंग सुने और उसके बाद में जो पिछली रिकॉर्डिंग्स छूट गई हैं उनको बीच बीच में हम डालते रहेंगे। तो देखें, आज परमपिता परमात्मा हमें कैसे अचल अडोल बनाना चाहते हैं, और हम कैसे परमात्मा के दिल तख्त नशीन बने। उनके दिल के तख्त में बैठना कोई मजाक नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए, परमात्मा क्या चाहते हैं, देखें उसको। वरदान के शीर्षक में परमात्मा पिता कहते हैं, माया और प्रकृति की हलचल से, माया मतलब 5 विकार, हमारे अंदर जब संकल्प आते हैं काम वासना के, क्रोध के, अहंकार के, ईर्ष्या के, घृणा के, नफरत के, ये सारे जितने भी हैं संकल्प, ये सारे माया हैं। तो ये पवित्र संकल्प तो नहीं हुए, ये पवित्र संकल्प नहीं है तो हम परमात्मा के दिल तख्त नशीन नहीं हैं। तो माया और प्रकृति की हलचल, प्रकृति की हलचल क्या हुई, ये शरीर भी 5 तत्व प्रकृति का बना हुआ है, और चारों तरफ जो है धरती है वो सब कुछ 5 तत्व की प्रकृति की बनी है। इस शरीर में कोई हलचल आए या दुनिया में कोई हलचल आए 5 तत्वों में, उससे भी हम क्या हों, अचल हों। तो माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भवा। दिलाराम परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं तो बच्चे तुम्हारा दिलाराम हूँ, क्या तुम मुझ राम रूपी परमपिता परमात्मा के दिल में बैठने लायक हो। तो रामचंद्र अलग हो गए, लेकिन कई शास्त्रों में परमपिता परमात्मा को रामा भी कहा है, रामचंद्र नहीं, रामा, वो अलग हैं। रामा मतलब कि भगवान। तो परमात्मा कहते हैं, सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप का दिल तख्त है, कि अगर हम ऐसे कर्म करते जाएं, ऐसी सोच रखते जाएं, ऐसे बोल बोलें जिसकी हम परमपिता परमात्मा के दिल में रहने लायक बन पाएं, तो हम वहाँ पे सेफ रह पाएंगे। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा ही यह श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए। हमने सीख लिया कि परमात्मा कौन है, हमसे चाहता क्या है, और परमात्मा ने सृष्टि की रचना कैसे करी है, और किस तरीके से ये कलयुग अब सतयुग बनेगा। जब कलयुग का महाविनाश होगा तब जा करके सत्यु का आरंभ होगा। बहुत बड़ा परिवर्तन आगे सामने हमारे खड़ा है, आप माने या ना माने। तो परमात्मा कहते हैं, जो परमात्मा दिल में समाया हुआ अथवा दिल तख्त नशीन है, वह सदा सेफ है, क्योंकि उसकी सोच, उसके बोल, उसके कर्म ऐसे होंगे जैसे कि परमात्मा चाहे कि उसके बच्चे के वैसे हों, उसकी रचना के वैसे हों, उसकी क्रिएशन के वैसे हों। तो क्या हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म वैसे हैं कि हम परमात्मा के दिल तख्त में रहने वाले हों, ताकि परमात्मा हमें सेफ रख पाए। तो परमात्मा कहते हैं, माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते, ना 5 विकार और ना ही शरीर रूपी प्रकृति की बीमारियां, ना ही 5 तत्वों की हलचल उन्हें हिला सकती है। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है। तो अचल मतलब जो हिले डुले नहीं, अचल घर है, चंचल घर नहीं। चंचल व्यक्ति कभी भी स्थिर नहीं होता और उसके मन में कभी भी शुद्ध संकल्प नहीं होते। इसलिए स्मृति रहे, स्मृति मतलब याद रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं। परमात्मा हमें रिमाइंड कराते हैं कि तुम फर्स्ट टाइम आत्मा इस चक्र में नहीं आए हो, 84 के चक्र में, तुम अनेक बार, अनगिनत बार चक्र में आए हो, अनगिनत बार तुम पवित्र बने हो, अनगिनत बार तुमने विजय पाई है, और अनगिनत बार हम दिलाराम के दिल तख्त पर बैठने के लायक बने हैं, अचल बने हैं, और अभी भी अचल हैं, बनेंगे नहीं, अचल हैं। तो इस स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में कि हम अचल अडोल आत्मा हैं और परमात्मा के दिल तख्त नशीन आत्मा हैं, इसको याद रख करके आप अपना जीवन बिताएं, और साथ ही साथ मेडिटेशन आकर के सीखें कि हम कैसे परमात्मा के दिल के तख्त में बैठने के लायक बने। तो आज का ईश्वरी वरदान इसके साथ, ओम शांति।